एक साथ एक लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है असम सरकार की तरफ से, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, अब तक ये तीसरी कार्रवाई दिख रही है, कहा जा रहा है ये इलीगल स्ट्रक्चर है, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। देखिए ऐसा है कि ये सरकार जो बीजेपी है इसका सिर्फ एक ही काम है कि हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म कर देना, मुसलमानों की इमेज को हमारे हिंदू भाइयों के बीच में इतनी ख़राब कर देना कि मुसलमानों से लोग नफरत कर जाएं, झूठी झूठी बातें ला करके, झूठी हिस्ट्री पेश करके लोगों के अंदर एक नफरत पैदा की जा रही है। मदरसे ऐसी चीज़ें हैं, मैंने मदरसे में पढ़ा है, हमको एक रुपया देना नहीं पड़ता था मदरसे में पढ़ने के लिए, मदरसे वाले जाते हैं लोगों से ज़कात जो हमारे यहाँ 2.5% है उसको मांगते हैं, हाथ फैला फैला के भीख मांगते हैं, सरकार से पैसा नहीं मिलता, और जो यतीम हैं जिनको जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके माँ बाप की हैसियत नहीं है, ऐसे बच्चे मदरसे में जाते हैं और एक इंसान बन के निकलते हैं, कपड़ा मिलता है उनको, रहने की जगह मिलती है, खाने की जगह मिलती है, कौन कौन इतनी मदद करता है। अब सरकार को अगर ये नागवार गुजर रहा है तो सरकार उनको तोड़ देना चाहती है, तो लेकिन सिर्फ मदरसे ही क्यों? सरकार अगर ये कहे कि जितनी भी इलीगल स्ट्रक्चर देश में बने हुए हैं हम सबको तोड़ देंगे, उसे मदरसे भी आ सकते हैं, उसे मंदिर भी आ सकती है, उसे मेरा बंगला भी आ सकता है, मेरा घर भी आ सकता है, मंत्री का घर भी आ सकता है, तो दिल्ली में जाइए आप, सैनिक फार्म एक जगह है, मैं तो जब मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट था तो मैं जाता था लोगों से मिलने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मुझे दिखा दे कितनी का परमिशन मिला हो। दिल्ली में जाइए आप, कितने बड़े बड़े महल बने, आज भी दिल्ली जहाँ जहाँ पे जो कैपिटल है, जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, सारी सरकार बैठती है, उस शहर के अंदर इलीगल कितने स्ट्रक्चर है। मदरसे मदरसे खाली क्यों? अब अगर इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इलीगल स्ट्रक्चर है, तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे टीचर्स सिखाते थे उनका कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के साथ तालमेल था, कुछ दस्तावेज भी मिले, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। नहीं, अगर ऐसा है कोई टीचर आतंकवाद सिखाते हैं और सच्ची बात है तो ज़रूर उनको सज़ा मिलना चाहिए, बहुत सख्त सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बहाना बना के करना चाहिए ये ठीक नहीं। मैं मेरे पास अखबार है यहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है कि यशवंत शिंदे नाम का कोई नांदेड़ का कार्यकर्ता, उसने कहा है कि जितने ब्लास्ट हो रहे हैं ये सब आरएसएस लोगों का, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं बोलेंगे अबू आजमी तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, ये अखबार में दिखाता हूँ आपको, ये अखबार में लिखा है, जो आप मीडिया में लाओगे वही तो मुझे मालूम पड़ेगा, मैं तो नहीं कश्मीर गया था, ये कह रहा है, उसने इसने हरफनामा दिया हुआ है, एफिडेविट दिया हुआ है, अगर गलत है ये तो इससे सवाल किया जाए, इसको कार्रवाई की जाए, और सही है तो बताया जाए कि भाई ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो लोग भी रियल में किसी जात किसी धर्म कहीं के रहने वाले हैं, अगर वो देश में कहीं से भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं, तो मैं जरूर सरकार से कहूंगा कि आप इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर किए गए, मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आपको क्यों लगता है सिर्फ मदरसे को ही टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मैं इसलिए लगता है मुझे कि ये सरकार तो वही कर रही है, तो जाना सरकार ने एक फिल्म बना दिया कश्मीर पंडित कश्मीर फाइल बना दिया, जब मैंने एक किसी साहब ने जो है हरियाणा के रहने वाले, जब मैंने उनका आरटीआई पढ़ा तो पूरे कश्मीर में 1724 लोग मारे गए और जिसमें सिर्फ 5% पंडित, बाकी सब मुसलमान और थोड़े सरदार मारे गए, जिम्मेदार मुसलमान ठहराया जा रहा है। इस फिल्म को दिखाने से क्या होगा, मोहब्बत बढ़ेगी नफरत बढ़ेगी? मुसलमान जब जो बच्चे आते हैं फिल्म देखने के लिए, निकलने के बाद तलवार निकाल के मारना शुरू कर देते हैं, और सही बात है कि जो आप दिखाएंगे कि एक कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन सरकार किसकी थी, सरकार कौन चला रहा है, जानबूझ करके टारगेट करके पंडितों को वहां हटा देना और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा देना, जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं देख रहा हूं, तो ऐसी चीजें हो रही रोजाना, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ असम में कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ यूपी सरकार जो योगी जी ने एक आदेश का किया है, कमेटी बनाई गई है जिसमें साफ तौर पर कहा कि जितनी भी इनलीगल स्ट्रक्चर मस्जिद इसके मदरसों की है उनकी ऑडिट किया जाए, उसकी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, इसी की से मैं सरकारों से बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि आप मदरसों में एक सीसीटीवी लगा दीजिए और उस सीसीटीवी का जो ऑपरेटिंग है अपने पास रखिए, कोई उसको निकालने ना पाए, हर रूम में लगा दीजिए और आप अनिवार्य कर दीजिए कि मदरसे वाले लगाएं, और चाहिए तो वहां पर महीना दो महीना कार्यकर्ताओं को बिठा दीजिए, एक एक रूम में देखने दीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं अगर मदरसों में कोई इंसान जाएगा और ये सब चीज़ें देखे, आने के बाद कहेगा ये मदरसे इंसानियत का सबक देते हैं, हैवानियत का, या कहीं जो है ना मिलिटेंसी का सबक नहीं देते। कुछ लोग जो ऐसे होंगे मालूम पड़ जाएगा, अगर कोई मदरसों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वीडियो में आ जाएगा, मालूम पड़ा चल जाएगा, देख लीजिए आप, लेकिन आप ज़बरदस्ती
सिर्फ मदरसे को टारगेट करेंगे, गरीब बच्चे जिनके पैसे नहीं जो पढ़ते हैं वो और बेचारे पढ़ने काबिल नहीं रहेंगे, उनको जगह नहीं मिले पढ़ने की। योगी सरकार के आदेशों की सर देखते हैं जिस तरह जांच के आदेश दिए, मैं तो समझता हूँ ये तो जान बूझ करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके मदरसों को बंद कराने की, मुसलमानों को हर कॉर्नर से घेरा जा रहा है, यही देख रहा हूँ। और क्या करूँ, क्या इसका विरोध होगा? नहीं, इसका विरोध तो सबको करना चाहिए, मुसलमानों को क्यों, सबको करना चाहिए कि भाई आप जो है इल्लीगल स्ट्रक्चर तोड़ना है या सिर्फ मदरसों को तोड़ना है। सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा, 100% असरदार और तिब्बे नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका, चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।